सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं सैमसंग के जितने भी लेटेस्ट मॉडल है सबका FRP कैसे रिमूव करते हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और हो सकता है इसमें थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो। स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट सर को और फिरो सर को आने वाले समय में देने वाले हमारे तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दिए और बेल आइकन को भी दबा दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लाइव आपको बताने वाला हूँ, इसे मैंने यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल करके बताया है कि कैसे कैसे आपको ये करना है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी आपको ख़राब हो, लेकिन ये मैंने बहुत ही अच्छी आपको वीडियो बता रहा हूँ। जितने भी सैमसंग के लेटेस्ट हैंडसेट है, ए सीरीज, एम सीरीज, सबका आप इस मेथड से FRP रिमूव कर सकते हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें FRP लगा है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल होती है हमको इसका नोटिफिकेशन ओपन करने के लिए, लेकिन एक बार जब नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है तो हम उसके बाद बहुत ही आसानी से 5 मिनट के अंदर इसका FRP रिमूव कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। कोई डोंगल, कोई UFI बॉक्स, कोई इजी जेट टैग, या फिर कोई Z3X बॉक्स या कॉम्बिनेशन फाइल या किसी चीज़ की पे जरूरत नहीं है। यहां पे एक सिम हमको लगती है जिसको हमको पहले लॉक डाल देना है। जैसे सिम लॉक होता है, आपको सिम को एक कोई एक पैटर्न से कोई एक पासवर्ड डाल के उसको लॉक कर देना है, और यहां पे सिम को यूज करना है, और सिम एजेक्टर, सिम ट्रे, सिम और सिम एजेक्टर, ये तीन चीजें हम यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए सेटअप हो रहा है क्योंकि ये इसको मैंने अभी हार्ड रिसेट किया है। तो यहां पे मैं आपको जूम करके बताता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे देखिए ये पूछ रहा है कि प्रीवियस गूगल अकाउंट। तो यहाँ पे जब तक हम प्रीवियस अकाउंट नहीं डालेंगे ये हमको आगे जाने नहीं देगा, हम इसे सेटअप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, मेरे पास एक जियो का सिम है जिसको मैंने पहले ही पासवर्ड दूसरे फ़ोन में डाल के सिम को मैंने लॉक लगा लिया है, और यहाँ पे देखिए आप, मैं इसे सिम को अभी सिम ट्रे को मोबाइल के अंदर लगाता हूँ। देखिए अभी मैंने उसको पूरा नहीं लगाया है, और यहाँ पे बाजू में एजेक्टर है सिम को निकालने के लिए, ये दो चीज़ों का हमें यूज़ करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिम को पहले इंजेक्ट कर दिया है, लगा दिया है, और यहां पे जैसे ही यहां पे वो सिम का पासवर्ड पूछेगा तो मुझे सिम को निकालना है बाहर। देखिए मैं यहां पे नीचे आप देख सकते हैं एक ओके का बटन आएगा और ऊपर एक लॉक का सिंबल आएगा, वो लॉक के सिंबल को और नीचे ओके बटन को दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना है, तभी आपका नोटिफिकेशन खुलेगा। ये देखिए मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, नीचे ओके बटन है और ऊपर ये लॉक का जो सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल आपको लाना है और ऊपर इमीडिएटली नोटिफिकेशन के बटन पे सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, तो यहां पे नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो दोस्तों ये एक दो बार में नहीं होगा, आपको 4-5 बार ट्राई करना होगा आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इजी मेथड है, कोई ऑनलाइन फ्लैशिंग, ऑनलाइन अनलॉकिंग नहीं करानी है आपको, बहुत ही आसानी से हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। जितने भी ए सीरीज, एम सीरीज, A10, A20, A30, M20, M40, M50, M70 जितने भी हैंडसेट है दोस्तों, सबको आप FRP रिमूव कर सकते हैं इस मेथड से। तो यहाँ पे आपको इस तरह का अगर लॉक वगैरह आ जाता है तो ये आपका नहीं होगा, तो आपको वापस से बैक जाना है। तो पहले से ही आपको इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है, कोई भी एक वाईफाई से कनेक्ट करके रखना है। तो यहां पे बैक जाते हैं, देखिए सिम ट्रे डालेंगे, और यहां पे जैसे ही लॉक आएगा, पासवर्ड आएगा, हम सिम को बाहर निकालेंगे। ये देखिए यहां पे सिम का लॉक आया है, नीचे ओके बटन। देखिए दोस्तों, इस तरह का अगर आपके पास पैटर्न वगैरह आ जाता है तो हम उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं, तो वापस से आपको सिम निकाल के वापस से लगानी है। और जैसे ही यहां पे लॉक आएगा, पैटर्न लॉक आएगा, इसको आपको सिम ट्रे को निकालना है बाहर। ये देखिए सिम ट्रे जैसे ही निकालेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यह है ना, मैं आपको पूरा लाइव प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसे ही आपके साथ होगा, 2-3 बार, 4-5 बार आपको करना होगा और 5-6 बार में आपका सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन फाइल आपको लेटेस्ट हैंडसेट की मिलेगी नहीं, अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो आप 500, 700, 1000 रुपये ले सकते हैं वो आपसे, तो उससे अच्छा है कि आप 4-5 बार ट्राई कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कैसे करना है। ये देखिए हमारे पास एक हैंडसेट आया, ये कस्टमर का हैंडसेट है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ओके बटन, देखिए इस तरह का पैटर्न आता है। तो आपको वापस से बैक जाना है और यहाँ पे वापस से सिम आपको इंजेक्ट करना है। और जैसे ही यहाँ पे देखिए सिम लगा दिया है हमने, और जैसे ही यहाँ पे पैटर्न लॉक आएगा सिम को निकालते हैं बाहर। और ये देखिए यहाँ पे हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह के साथ आपके साथ भी होगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अगर चाहो तो मैं वीडियो कट करके शॉर्टकट में भी बता सकता था आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं लाइव प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। 4-5 बार में आपका ये नहीं नोटिफिकेशन ओपन नहीं होगा, लेकिन आप 6-7 बार करोगे, उसकी टाइमिंग होती है दोस्तों, नीचे का ओके बटन और ऊपर का लॉक बटन जो है एक साथ प्रेस करना है, तभी जा करके आपका नोटिफिकेशन खुलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ओके बटन, और ये देखिए यहाँ पे अभी भी नहीं खुला है ये, और यहाँ पे आप देखिए अभी ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बाईपास करने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि कॉम्बिनेशन फाइल हमको मिलेगी नहीं। आप कॉम्बिनेशन से फ्लैश करोगे, उसका OEM अनलॉक करोगे, फिर आप उसको फिर से फ्लैश करोगे, या फिर उसके आप कैच हिडन फाइलों को छोड़ के फ्लैश करोगे, उसमें आधा एक घंटा लग जाता है। लेकिन ये मेथड से आपका 10 मिनट के अंदर आपका FRP आपका अनलॉक हो जाता है, और डेड रिस्क उसमें बिल्कुल नहीं है। अगर आप गलत फाइल से फ्लैश कर देते हैं तो उसमें डेड हो जाता है मोबाइल, बूट आपका जो है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाता है, या फिर पार्टीशन खराब हो जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन यहाँ पे इस मेथड से आपको बिल्कुल ही सेफली मेथड है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे सिम डालने के बाद, चलिए दोस्तों हमारा अभी जो है मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ से अभी जो वीडियो है आपको यहाँ पे एक ही बार में हो जाता है, अभी देखिए मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिम इंजेक्ट करना है, और इंजेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे लॉक आएगा तो अब आपको यहाँ से सिम को इंजेक्ट करना है। और यहाँ देखिए ये नोटिफिकेशन पे हमने सेटिंग के बटन को दबा के यहाँ पे नोटिफिकेशन खुल लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ है दोस्तों, मैं यही बताने के लिए आपको इतना देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इसका नोटिफिकेशन खुल जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा काम हो गया है, अब 5 मिनट के अंदर बाईपास हो जाएगा नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। यहाँ पे जब एक बार सेटिंग पे ला के रख देंगे आप तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सी ऑल जो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बैक आते हैं, कहीं और क्लिक हो गया है, तो सी ऑल जो लिखा है उस पर हमको क्लिक करना है। चलिए बैक आते हैं, देखिए यहाँ छोटा सा सी ऑल लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे ऑल पे क्लिक करना है, और इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और नीचे आते हैं। और नीचे आने के बाद देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद जो YouTube के आप बटन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे हेल्प नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक करना है, इन ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग। और यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सा क्लियर करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अबाउट में जाना है, और अबाउट में जाने के बाद यहाँ से तीसरा ऑप्शन YouTube टर्म्स ऑफ सर्विस जो लिखा है, YouTube टर्म सर्विस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है इसको। और जैसे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, बहुत ही आसान तरीके से सारे सैमसंग के FRP रिमूव हो जाते हैं। इसे आप प्रैक्टिकल करके देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही आसानी से हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ ये 5 मिनट के अंदर FRP रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट और नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करिए, और यहाँ पे ऊपर देखिए राइट साइड में, थोड़ा सा बैक आते हैं, चलिए यहाँ पे आपको टाइप करना है vnrom.net bypass, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे हमको इसका जो है एंड्रॉयड वर्जन 8 का इसका बाईपास वाली हमको फाइल मिल जाती है। यहाँ पे देखिए APK फाइल जो तीसरे नंबर पे है, इसे अलाउ करना है, और थर्ड नंबर की जो फाइल है एंड्रॉयड 8.9 gam.apk फाइल, इसे इंस्टॉल करना है, फिर FRP रिमूव, दो फाइलें यहां से इंस्टॉल करना है। देखिए गूगल अकाउंट बाईपास 2020 लिखा हुआ है, तो यहां पे मैंने 8.9 वाली फाइल को डाउनलोड कर लिया है। यहां पे एलो करेंगे आप तभी ये डाउनलोड होगी,
देखिए यहाँ पे इसे अलाउ करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड होगी। चलिए इसे ऐड को रिमूव करते हैं, ऊपर से कट करते हैं इस ऐड को। तो यहाँ पे हमको एक फिर से उसी वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से FRP बाईपास ऊपर से 5 नंबर पे लिखा, देखो इसको ओके कर देते हैं पहले इस फाइल को, ये डाउनलोड हो जाएगी। चलिए डाउनलोड हो रही है, तभी तक हम यहाँ पे FRP बाईपास वाली जो ऊपर से 5 नंबर पे जो फाइल है FRP बाईपास APK सबके लिए एक ही फाइल लगती है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोनों फाइलों को आपको डाउनलोड करना है, एक हो गया आपका APK जो एंड्रॉयड वर्जन 8.9 वाली फाइल है, और यहाँ पे देखिए सेटिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ से एलो करेंगे सोर्सेस को और यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हमारा जो लॉन्चर है 8.9 वाली फाइल उसको पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद हमको FRP बाईपास वाली फाइल को इंस्टॉल करना है। तो कभी कभार दोस्तों यहाँ पे आपको एरर आता है, तो ऐसे में आपको एक बार फ़ोन को हार्ड रिसेट करके फिर से वापस से सेम प्रोसेस करना है। तो एक आध मरतबा ऐसा हो जाता है लेकिन हर बार नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे FRP बाईपास वाली फ़ाइल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए आप मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। यहाँ पे ये लेटेस्ट हैंडसेट है A20 सैमसंग का, जो कि ऑनलाइन अनलॉक होता है, ऑनलाइन फ्लैशिंग होती है। तो यहाँ पे ओपन करते हैं, जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे देखिए ऊपर 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ब्राउज साइन इन करना है, यहाँ पे ओके करना है आपको। और इसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों अपना जो भी नया जीमेल आईडी है आपका यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाईपास हो चुका है। अब जो जीमेल आईडी हम डाल रहे हैं यहीं आपके मोबाइल के अंदर रहेगा, आप डायरेक्ट कस्टमर का जीमेल आईडी भी डाल सकते हैं, या फिर कस्टमर को ओपन करके देना है तो अपना कोई एक जीमेल आईडी डाल दीजिए, बाद में मोबाइल के अंदर से इसको रिमूव कर दीजिए। मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा, इसी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए एशिया टेलीकॉम की तरफ से मैंने ये बनाया है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों को। यहाँ पे आपका जीमेल आईडी और पासवर्ड दोनों यहाँ पे डाल देना है। चलिए यहाँ से लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको मोबाइल को देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मोबाइल को बस आपको रीस्टार्ट करना है। हमारा जीमेल अकाउंट नया ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे हम मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, थोड़ा सा आगे प्रोसेस है, बिल्कुल हो चुका है ये, और हमारा बाईपास हो चुका है। बस आपको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा ट्रिक है, आप वो भी देख लीजिए क्या करना है आपको। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मैं अच्छे क्वालिटी में आपको वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ये क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और मैंने आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से किसी मोबाइल से ये वीडियो बनाया है, तो इसमें क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, बट कंटेंट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो आगे चलकर मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी के साथ, बहुत ही नीट और बहुत ही क्लियर क्वालिटी के साथ आपको वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल को शेयर ज़रूर करें दूसरों के साथ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करते हैं, और आई हैव, चलिए यहाँ पे हम सेटअप हमारा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वापस से ये FRP हमारा रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका इंटरनेट है आपको कनेक्ट करना है, वाईफाई हो या फिर जो भी हो, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये मोबाइल रीस्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे वापस से, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें इंटरनेट ऐड कर चुका था, वाईफाई ऐड किया था एप्पल्स फ़ोन, तो वापस से थोड़ा सा टाइम लेगा ये ऐड होने में, क्योंकि ये सर्च करता है वापस से। तो यहाँ पर मैं एक बार इसमें टाइप कर देता हूँ अपना जो भी वाईफाई का नाम है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक बार इंटरनेट इसमें कनेक्ट कर देते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ऊपर आ चुका है एप्पल्स आईफोन। तो जैसे ही मैं इसे कनेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ नेक्स्ट बटन आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये सेटअप हो रहा है। तो यहाँ पे जाकर के वापस से वो हमारा जीमेल आईडी नहीं पूछना चाहिए, और यहाँ पे ये सेटअप हो जाना चाहिए हमारा मोबाइल। फ्रेंड्स ये वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, और इस तरह से आप सारे सैमसंग के लेटेस्ट ऑनलाइन वाले ए सीरीज़ और एम सीरीज़ या चाहे कोई भी सैमसंग का हैंडसेट हो उसका आप FRP इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इजी मेथड है, और ये ए सीरीज़ और एम सीरीज़ के लिए ये आप मेथड है, सिम को आप पहले लॉक कर लीजिए, और कोई भी सिम को आप कोई भी सिम ले लीजिए, ऐसा कोई नहीं है कि जियो का सिम चाहिए, कोई भी सिम आप ले सकते हैं, उसको लॉक लगा लीजिए, और लॉक लगाने के बाद आप इस तरह से किसी भी लेटेस्ट सैमसंग के हैंडसेट का FRP आप बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेटअप हो रहा है, चलिए सेटअप होने देते हैं,
और सेटअप होने के बाद देखते हैं कि ये पूरा मोबाइल हमारा ऑन होता है कि वापस से FRP पूछता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और काफ़ी सारे MMC, UFI और इजी अटैक के रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोस है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ईशा टेलीकॉम ज्वाइन करिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अकाउंट एडेड बता रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको नया अकाउंट नहीं ऐड करना है, तो हम यहाँ से नया अकाउंट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी अकाउंट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, गेट हमारा जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, देखिए वापस से ये हमने जो अकाउंट डाला था, तो दोस्तों यहाँ पे हमको नया अकाउंट नहीं डालना है, डोंट रीस्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग सेटिंग डेट वगैरह आ चुकी है, यहाँ पे कोई FRP नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे स्किप करते हैं, पैटर्न लॉक नहीं डालते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे इसे सेटअप करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने वापस से पुराना वाला जीमेल अकाउंट नहीं पूछा है क्योंकि हमने उसे बाईपास कर दिया है। तो ये हमारा जो प्रोसेस था ये प्रॉपर सक्सेसफुल रहा है और इसी तरह से हमने सारे सैमसंग के जितने लेटेस्ट हैंडसेट है A सीरीज M सीरीज, इस मेथड को हमने यूज़ किया है, ऑलरेडी सक्सेसफुल है। सारे A सीरीज़ के और M सीरीज़ के जितने भी लेटेस्ट हैंडसेट है सब में हमने ये मेथड को यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ही आसानी से पैटर्न रिमूव हो जाता है, FRP आपका रिमूव हो जाता है। यहाँ पे स्किप करते हैं, नया जीमेल अकाउंट नहीं डालते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने डाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप, ये मोबाइल पूरा हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है, यहाँ पे कोई जीमेल अकाउंट नहीं पूछा है और हमने जो जीमेल अकाउंट हमारा डाला था हमने इसको रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद और कस्टमर को हम हमारा जीमेल अकाउंट, देखिए यहाँ पे अकाउंट लिखते हैं और अकाउंट्स में जाने के बाद हमने जो अकाउंट यहाँ पे जीमेल अकाउंट डाला था उसको रिमूव कर देते हैं और रिमूव करके आप अपने कस्टमर को ये मोबाइल दे सकते हैं। दोस्तों ये एक प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसानी से काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। देखिए यहाँ पे अकाउंट्स में जाना है, ये देखिए ये मैंने जो अकाउंट में मैंने जीमेल अकाउंट डाला था यहाँ से रिमूव अकाउंट कर देते हैं। अब इस मोबाइल के अंदर कोई जीमेल अकाउंट, कोई FRP, कोई पैटर्न नहीं है। इस तरह से आप कस्टमर का FRP रिमूव हटा सकते हैं किसी भी लेटेस्ट सैमसंग हैंडसेट का। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।